अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन चंद मिस्टेक्स के बारे में या फिर उन चंद बातों के बारे में जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं जब भी बारिश होती है। इन बातों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और इन बातों को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो क्या ख़तरा लाहिक हो सकता है, क्या मुश्किलात जो सी हैं हमारे पौधे को पेश आ सकती हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में उनके बारे में बताऊँगा। सो व्यूअर्स, इश मोहम्मद रब नवाज एंड वेलकम टू प्लांट लाइफ विद साहिल। व्यूअर्स, आज सुबह के वक्त रावलपिंडी में तकरीबन 3 से 5 घंटे लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स के पॉट्स में पानी खड़ा हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये पॉट्स में फुल पानी खड़ा हुआ है। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि पॉट्स में पानी जोन सा है ड्रेनेज होल से नीचे क्यों नहीं गया। तो व्यूअर्स, ड्रेनेज होल से पानी गया था, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से इसकी मिट्टी जोन सी है कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने की वजह से ड्रेनेज होल ब्लॉकेज हो जाता है और उसकी वजह से पानी का बहाव जोन सा है नीचे की तरफ नहीं जाता और पानी ऊपर की तरफ रुक जाता है। और ये देखें, ऊपर यहाँ यहाँ तक पानी इधर खड़ा है। अब इससे जोन सा है हम पॉट्स को प्लांट्स को क्या ख़तरा हो सकता है। तो व्यूअर्स, जब भी बारिश हो या रेनी सीजन हो या फिर 4-5 घंटे लगातार बारिश हो, उसके बाद आपने ज़रूर अपने प्लांट्स के पास चक्कर लगाना है। वो इस वजह से आपने आके देखना है कहीं प्लांट्स के पॉट्स में पानी तो नहीं खड़ा। अगर पानी खड़ा है तो आपने उसे रिमूव कर देना है। अब रिमूव क्यों करना है, वो इस वजह से करना है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़अप बताता हूँ अपने सागो पाम का व्यू। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कैसे पूरा उसका जो नीचे ट्रंक है वो सारी पानी से वेट हुई हुई है। और सागो पाम में ज़रूरी नहीं कि ये मसला सागो पाम में है, बाकी प्लांट्स में भी ये मसला आता है कि पानी खड़े होने की वजह से उनकी रूट्स जो सी हैं रोट हो जाती हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और प्लांट्स हमारा डेड होने की तरफ चला जाता है। और आप मेरे सागो पाम को बखूबी गौर से देख सकते हैं कैसे इसका ट्रंक पूरा का पूरा गीला हो चुका है। और अगर मैं इसके पास चक्कर नहीं लगाता और ऐसे ही पानी खड़ा रहता है इसके बीच में, क्योंकि इसकी पूरी सॉइल जो सी है वेट हुई हुई है, उसके बाद जो सा ये पानी ऊपर खड़ा हुआ है, अगर मैं इसका पानी रिमूव नहीं करता तो सबसे पहले तो इसके जो नीचे रूट्स हैं उन्होंने रोट हो जाना है। उसके बाद इसके नीचे एक मेन रूट होती है उसकी, उसने गल सड़ जाना था और नीचे से इसका ट्रंक गलना सड़ना स्टार्ट हो जाना था और मुझे पता भी नहीं चलना था और मेरे प्लांट्स ने मर जाना था और इसके पत्तों ने भी ऊपर से पीला पड़ना स्टार्ट हो जाना था। अगर बारिश एक दिन हुई या दो दिन हुई, 4-5 घंटे के लिए हुई, जब जैसे ही रुकती है बारिश आप आएँ आकर पॉट्स के पास अपने प्लांट्स के पास चक्कर लगाएं, पानी अगर हो तो उसे रिमूव कर दें, ऐसे पकड़ के गिरा दें पानी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ गिरा दें। अब आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी जो सी है, मिट्टी में जितना भी पानी खड़ा था वो मैंने रिमूव कर दिया। अगर रेनी सीजन हो या फिर 4-5 दिन लगातार बारिशें बताई गई हों और लगातार बारिशें हो रही हों, तो तब भी आपने जैसे ही बारिश रुके आपने आना है वापस ऊपर, जहाँ पे भी आपने पौधे रखे हुए हैं, टेरेस पे रखे हुए हैं, छत पे रखे हुए हैं, जहाँ के भी रखे हुए हैं आपने पौधे, आप आएँ अपने पौधों के पास, देखें जिन जिन प्लांट्स में जिन जिन पॉट्स में पानी रुका हुआ है आप उनमें से ऐसे ही पानी गिरा दें। अगर उसके बाद भी बारिश होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये या फिर आपको अपना प्लांट्स उठा कर किसी और जगह या इंडोर रखने की ज़रूरत नहीं है कि यार बार बार बारिश हो रही है तो बार बार इसमें पानी पड़ जाएगा तो मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। प्लांट्स तब तक ख़राब नहीं होगा व्यूअर्स जब तक इसमें पानी इससे पानी रिमूव होता रहेगा। अगर आपने रिमूव पानी ना किया और जैसे ही इसमें पानी खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा तो आपका प्लांट्स डेड हो जाएगा। तो जैसे ही बारिश ख़त्म हो आप आएँ ऊपर, पानी रिमूव करें और चले जाएं। उसके बाद अगर दोबारा बारिश होती है तो दोबारा बारिश जब होगी तो आप दोबारा वापस आएँ ऊपर, दोबारा देखें अगर पानी खड़ा है तो ऐसे ही पानी रिमूव कर दें। ऐसे अगर आप पानी रिमूव करते रहें तो आपका पौधा बच जाएगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप पानी रिमूव नहीं करते रहेंगे आपके पौधे की रूट्स रोट हो जाएंगी,
पत्ते पीले पड़ जाएंगे और आप अपने पौधे से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे पॉट्स में पानी खड़ा रहने जब रहता है तो क्या हमारे पौधों को ख़तरा होता है कि नहीं होता? तो तब तक खतरा नहीं होता जब तक आप इसे कंटिन्यूसली पानी रिमूव करते रहते हैं। अगर खड़ा रहेगा तो इसे ख़तरा होगा। और दूसरी बात ये, आपने इसे तब तक दोबारा, ज़रूरी नहीं सागो पाम जो मर्जी प्लांट हो उसको दोबारा तब तक पानी नहीं देना जब तक उसकी ये सोयल जोन से टोटली ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।